वेलकम बैक। तो आज मुझे आप देख रहे हैं एक नए अंदाज में, भाई आपका ऑफिशियली डेटा साइंटिस्ट बन चुका है। तो आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है और दिल गार्डन गार्डन मेरा हो रहा है। तो मैं अभी अभी उठा हूँ, हालत में मैं जाऊँगा ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए और लंडन आईपी रॉयल फेस्टिवल हॉल है वहाँ पे मेरी होगी। तो गाइज पहले जल्दी से रेडी हो जाते हैं और रेडी होने के बाद आज का दिन का आगाज करते हैं। एकदम टेंशन वेंशन होके मैं निकल चुका हूँ रॉयल फेस्टिवल हॉल के लिए जहाँ पे है मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी। सो गाइस, वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है रॉयल फेस्टिवल हॉल। तो जल्दी उठने का फ़ायदा ये हुआ कि आज पहली बार मैंने सुबह का जो है यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है मुझे। और दूसरी बात यह है कि आज मैं हमेशा की तरह लेट हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं। चले चलते हैं और देखते हैं क्या है। मैं हूँ इस वक्त खड़ा रॉयल फेस्टिवल हॉल में और सबसे पहले जो मैंने काम करना है वो करना है कोन की कलेक्शन। चले चलते हैं, कोन की कलेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ कोन पहन के। गोन की कलेक्शन के लिए मैं हूँ अभी क्यू में खड़ा। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ये बतानी है, मैंने फ़ोटोग्राफी हायर की है, एक फ़ोटो के 45 पाउंड्स में दे रहा हूँ और मुझे बस ये देखना है कि ये 45 पाउंड्स में कौन सी फ़ोटो मेरी बनेगी और उसमें क्या होगा। तो गोन पहनते ही मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं अपनी एक फ़ोटो बनवाऊँगा जो कि होगी 45 पाउंड्स की, जो मैंने एडवांस में बुकिंग की हुई थी। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गोन पहन लिया और गोन पहनते ही मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, मुझे पता है आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है और मैं जाऊँगा अभी हॉल में और बाकी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे। चले चलते हैं हॉल में और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। सेरेमनी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है और जैसा कि आप देख सकते हैं सबके सब स्टूडेंट इस वक्त हॉल में बैठ चुके हैं। सेरेमनी भी खत्म हो चुकी है और पिक्स भी मैंने काफ़ी बना ली हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपना गोल वापस करूँगा क्योंकि मैंने 50 पाउंड्स इसके दिए हुए हैं और ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स मैंने उनसे वसूल कर लिए हैं। तो चले चलते हैं, गोल वापस करते हैं और अपनी असल हालत में आते हैं। सो गाइज, गोन मैंने उतार लिया है आप देख सकते हैं जैसा कि, और मैं अभी यूनिवर्सिटी आ चुका हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। सुबह 8 बजे से लेके ऑलमोस्ट 3 o'clock तक मैं वहाँ पे घूमता रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ जैसे कि मेरी आप हालत देख रहे हैं। सो गाइज, व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि मेरा यूनिवर्सिटी आप लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जब मैं आया तो मैंने इनरोलमेंट फ़ी दी और इनरोलमेंट फ़ी देने के बाद इन्होंने मुझे बोला आपने एक इंस्टॉलमेंट देनी है दिसंबर में और एक देनी है जनवरी में।
तो मैंने दिसंबर में वाली भी नहीं दी और जनवरी वाली भी नहीं दी। जनवरी में जाके मैंने इंस्टॉलमेंट बनवा ली, उन्होंने 8 इंस्टॉलमेंट बनाई जो कि मैं फी टिल जुलाई तक फी दी, और यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया, बिल्कुल कोई धमकी नहीं दी कि जी आपको निकाल देंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे, कुछ करेंगे। हालांकि मुझे 800-900 की जो है पाउंड्स की इंस्टॉलमेंट मैं इजीली देता रहा। सो फी के मामले में ये बिल्कुल मुझे तंग नहीं किया। अब उसके बाद मैं बात करूंगा स्टडी के मामले में, तो स्टडी जो है वो अगर आप लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे और आपके कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो अगर आप माइंड ये रखते हैं कि आपने यहाँ पे आके पढ़ना है तो फिर ज़रूर चूज़ करिएगा। अगर माइंड ये रखते हैं कि हमें नहीं पढ़ना तो आप अगर यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस का कुछ आसान सा कोर्स चूज़ कर लीजिएगा। डाटा साइंस, AI, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह का कोर्स अगर आप चूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। सो गाइज, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, अगर मैं बात करूँ फैकल्टी की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और मैं आज मेरी आपने देखी सारा का सारा काफ़ी अच्छा मेरा सिस्टम रहा। सो यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करता हूँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।